एक और आपको बता दें, पंजाब के लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। लुधियाना धमाके के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने बड़ा दावा किया है, आतंकियों के संपर्क में था आरोपी गगनदीप सिंह। ये बात डीजीपी की तरफ से कही गई है। ब्लास्ट में मारा गया गगनदीप ही विस्फोटक लेकर आया था। पंजाब पुलिस की तरफ से ये खुलासा किया गया है। ड्रग्स माफिया के साथ गगनदीप के संबंध थे, इस तरीके की जानकारी भी पंजाब पुलिस के मुखिया डीजीपी ने साझा की है। इस वक्त की बड़ी खबर लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट से जुड़ी, हम आपको बता रहे हैं, जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। इस बात का खुलासा पंजाब पुलिस की तरफ से पंजाब के डीजीपी ने किया है। नेक्सस पूरा किस तरीके से काम कर रहा था, डिटेल्ड जानकारी यहां पर साझा की है। ड्रग्स माफिया के साथ गगनदीप के संबंध थे, गगनदीप ही विस्फोटक लेकर आया था, गगनदीप इस ब्लास्ट में मारा गया है, आतंकियों के संपर्क में था गगनदीप, इस तरीके का बड़ा खुलासा पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने किया है। जिहड़ा डिसीज्ड है, ही वॉज कैरिंग द एक्सप्लोसिव, बट दैट वॉज एन इनिशियल असैसमेंट। जिवें जिवें साडी इन्वेस्टिगेशन अगे वधदी गई, सानू यकीन हो गया कि यस दैट वॉज द करेक्ट पिक्चर वट एक्चुअली हैपन। वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज विद इन 24 आवर्स वी कुड ट्रेस द मेन अक्यूज। He turned out to be a dismissed head constable of Punjab police who had been arrested by the STF for carrying narcotic drugs. Arrested him, Gagandeep Singh. Us vele eh thana sadar da munshi hunda si. 385 gram heroin ede kolo milya. Ede naal saathi si ede Amandeep and Vikas jinna kolo 400 gram heroin hor milya si. दो साल जेल ते रहन तो बाद गगनदीप बेल होया। इना दे लिंक्स जेल दे विच पंजाब चे एंड फ्रॉम अब्रॉड विथ टेरर आउटफिट्स विथ माफिया आउटफिट्स एज वेल एज नारकोटिक स्मगलर्स, ए उभर के आया सामने। ही वॉज वेरी गुड इन कंप्यूटर्स एंड टेक्निकल मटीरियल। जरा लगता है मौके पर वो तार जोड़न गया सी, ताई बाथरूम च एंटर करके लेके उन्हें कितने प्लेस करना सी। इट वॉज नॉट द कॉन्सैप्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉम्ब। जरा लगता है जिस पॉस्चर से बैठा सी, ये नहीं कि वो कितने वो बाथरूम वॉशरूम यूज कर नहीं गया सी। ही वॉज यूजिंग द वॉशरूम टू असेंबल, जिहड़े इनिशियल इन्वेस्टिगेशन आर सजेस्टिंग। उत्थे वो कल्ला ही सी, उत्थे होर कोई नहीं सी उहदे नाल। डेफिनेटली ही वॉज इन टच विथ अदर एलीमेंट्स of narco terror in Punjab, in the jails and abroad. ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗਸ ਆਖਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਹੀਰੋਇਨ, ਅਦਰ ਡਰੱਗਸ ਆਰ ਦੇਅਰ, ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਡਰੱਗਸ ਆਰ ਦੇਅਰ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਆਰ ਦੇਅਰ, ਇਹ ਕਈ ਸੋਰਸ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, हमने सुना पंजाब के डीजीपी को, लेकिन इससे पहले हमने पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी को भी सुना था, जो कह रहे थे कि वोटों की खातिर डराने की कोशिश तो नहीं हो रही है, इस तरीके की कोई साजिश तो नहीं है। लेकिन पंजाब के डीजीपी कह रहे हैं कि इस हमले के तार तो पाकिस्तान से जुड़े हैं। एक कंट्राडिक्शन, एक विरोधाभास नजर आता है दोनों के बयान में, डीजीपी और सीएम। बिल्कुल अनुराग, देखिए जिस तरह से कल पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जो बयान दिया था, जब उनसे सवाल पूछा गया था कि इसके तार जो हैं वो बॉर्डर पार से जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान से कोई लिंक है, तो उन्होंने कहा था कि अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और दूसरा, उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही थी कि 2022 के जो विधानसभा चुनाव हैं उनके मद्देनज़र कहीं ना कहीं पंजाब को दहलाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। हालाँकि जो पंजाब के डीजीपी हैं चट्टोपाध्याय, उन्होंने भी ये कहा है कि अब जो जान से निकल कर आ रहा है कि जो लिंक्स हैं वो पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, और जिस तरह से जो गगनदीप सिंह है जो इसमें अक्यूज था, जो उसमें वो ब्लास्ट में मारा गया है, वो कहीं ना कहीं पुलिस था, यानी कि एक्स पुलिस वाला भी था, और उसके तार जो हैं विदेशों से भी जुड़े जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि आने वाले दिनों में 2022 के जो चुनाव हैं कहीं ना कहीं दहलाने की कोशिश जो है वो की जाएगी, लेकिन कानून व्यवस्था जो है वो बनाए रखना जो है पंजाब पुलिस का काम है, और इसके लिए एक्टिव जो है, चाहे वो अधिकारी हैं चाहे
छोटे स्तर के अधिकारी हैं उनको कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि नार्कोटिक्स जो एंगल है उसको कहीं ना कहीं उन्होंने जाँच के दायरे में रखा है। और अब देखना होगा कि कुछ चीज़ें जो हैं उन्होंने नहीं बताई हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं मैं मीडिया के सामने जो है नहीं बता सकता कि इसके लिंक्स कहाँ कहाँ तक जुड़े हुए थे, किस तरफ जो है वो जाँच आगे जारी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से वो पिछले 2 साल से जो एक्टिव था ये गगनदीप सिंह जो खन्ना का रहने वाला था वो एक्टिव था, तो इसके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं अब ये देखना होगा। ठीक है, अभी कुछ और खुलासे हो सकते हैं। माफ कीजिए विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।